टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। महाराष्ट्र के सियासी मैदान में भूकंप के झटके एक के बाद एक लग रहे हैं और उद्धव ठाकरे की सरकार पर आफत के बादल मंडराने लगे हैं। महाराष्ट्र के मंत्री और शिवसेना के बागी विधायक एकनाथ शिंदे गुजरात के सूरत से आसाम के गुवाहाटी में शिफ्ट हो गए हैं। शिंदे ने दावा किया है कि उनके साथ 40 विधायक हैं, जिसमें 34 विधायक शिवसेना के, 6 अन्य दलों के और निर्दलीय हैं। एकनाथ शिंदे ने बगावत करके ठाकरे सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वहीं एकनाथ शिंदे की मंशा अपने साथ शिवसेना के और विधायकों को जोड़ने की है, जो मुंबई में है, ताकि वह 2/3 का आंकड़ा पार कर सके। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस बात की संभावना की जा रही है कि शिंदे इस लक्ष्य को हासिल करने में सफल भी हो सकते हैं। उधर सीएम उद्धव ठाकरे का समर्थन करने वाले बाकी विधायकों को भी मुंबई के एक होटल में रखा गया है। एकनाथ शिंदे के एक एक एक्शन पर सीएम उद्धव ठाकरे नजर बनाए हुए हैं। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ शिवसेना के अन्य विधायकों के बगावती तेवर के बाद विधानसभा भंग करने की नौबत तक आ गई है। इस बात का इशारा खुद शिवसेना नेता संजय राउत ने दिया है। इधर उद्धव ठाकरे आज बड़ा फैसला ले सकते हैं। वह आज मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की पेशकश भी कर सकते हैं। वहीं एकनाथ शिंदे के बागी होने के बाद एकनाथ शिंदे का विरोध भी हो रहा है। पनवेल में शिवसेना दफ्तर में लगे एकनाथ शिंदे की तस्वीर पर कलम से निशान लगा दिया गया और यहां पर जमकर विरोध प्रदर्शन भी हुआ है। अभी यहाँ मौजूद है और सभी लोग जो है हम बाला साहब ठाकरे जी का जो हिंदुत्व है इस और उनकी जो भूमिका है उसको हम लोग आगे ले जाना चाहते और मराठी संपूर्ण राज्य तुमच्याकडे बघते मराठी शिंदे जी मराठी मुझे किसके ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करनी है। मुझे इतना ही बात है जो शिवसेना के MLA है आज यहाँ मौजूद है और बाला साहब की जो हिंदुत्व की बात है सैनिकांनी कुठलेही बंड केलेले नाही। शिवसेनेने शिवसेना आमदारांनी कुठल्याही पक्षामध्ये जाण्याचा निर्णय घेतलेला नाही। बाळासाहेबांचे विचार आणि हिंदुत्वाचे विचार यापासून शिवसेना कधी आमदार कधी फारकत घेणार नाहीत। जय महाराष्ट्र, गर्व से कहो हम हिंदू है, बाळासाहेबांचा नारा जो आहे